Welcome back to my channel NAF Creative. Today I'm going to show you how to create letter effect. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर मैंने एक प्रीसेट करके रखा हुआ है. एक्चुअली ये फाइनल पे मैं दिखाने वाला हूँ. हम लोग इसी पिक्चर को कैसे बनाना है वो दिखाने वाला हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हम लोग के पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स है और इसमें मैं कुछ कल सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेने वाला हूँ जो डार्क कलर में रहेगा, ब्लैक एंड वाइट पे. देख लीजिए आप लोग को कौन सा कलर पसंद रहेगा, आप लोग चूज कर सकते हो. मेरे को अच्छा ही लग रहा है इसके लिए. लास्ट में चेंज करने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए. सो हम लोग के पास एक कलर भी हो गया है, फोरग्राउंड कलर. उसके बाद हम लोग जा रहे हैं. मेरे पास ये मैं फोटो को कटअप करके रखा हुआ था. एक्चुअली ये टीम 0.7 का है जो टिकटॉक अभी पॉपुलर है. सो मैं पॉपुलर एक आदमी का यूज कर रहा हूँ. इसको इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है. सो इसको सेट कर लेते हैं पहले आप लोग को. देन इंटर प्रेस कर लेते हैं. उसके बाद एक और कॉपी ले लेते हैं. हम लोग को दो लेयर चाहिए होगा इसमें वर्क करने के लिए. सो एक को हाइड कर देते हैं. देन आप लोग देख सकते हैं मैं लिक्विफाई में जाने वाला हूँ, फिल्टर लिक्विफाई में जा रहा हूँ. एक प्रीसेट ओपन होगा, हम लोग बस अलग सा ही एक विंडो दिखाई देगा फॉर्मेट में, एडिटिंग फॉर्मेट में. हम लोग को एक पंचिंग दिखाई देगा वहाँ पे, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए वहाँ पे. सिर्फ हम लोग को पिक्चर को थोड़ा लिक्विफाई रबर जैसा लार्ज करना है थोड़ा सा. देख लीजिए कैसा हो रहा है. अभी मैं थोड़ा फास्ट करने वाला वीडियो को. देख लीजिए वीडियो फास्ट किया है मैं थोड़ा सा, आप टाइम ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना. उसके बाद ओके प्रेस करते हैं. ओके प्रेस करने के बाद हम लोग के पास कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे लेयर का नीचे भी इफेक्ट आ जाएगा. इफेक्ट देख सकते हैं, उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, मतलब अंदर लेयर का अंदर ही. और दूसरा जो हाइड किया था लेयर उसको ऑन कर लेते हैं और उसको ऊपर लेके आएंगे. अभी हम लोग को दो लेयर हो चुका है, इस जिसमें लिक्विफाई है एक पिक्चर, एक रियल पिक्चर है. तो अभी हम लोग को उसमें मास्किंग कर देते हैं. फर्स्ट जो लिक्विफाई पिक्चर है उसमें मास्किंग कर देते हैं. उसके बाद हम लोग कुछ इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. मैं इसमें सिंपली टीम 0.7 लिखने वाला हूँ. फैसुप उनका नाम है, फैसुप, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लिखने वाला हूँ, टीम 0.7 लिखने वाला हूँ. और इसको एडजस्ट करने वाला हूँ मैं, एडजस्ट ऐसा कि देख लीजिए आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है, कौन सा टेक्स अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हैं. मैं मेरा जितना भी वीडियो है आप मैं उन सब में देख सकते हैं टेक्स्ट मैं कैसे यूज करता हूँ और पॉपुलर फाउंट ही यूज करता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए. उसके बाद एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज एडजस्ट करने वाला हूँ. उसके बाद हम लोग ये लेयर को मर्ज करेंगे. रेस्टराइज टाइप करने के बाद मर्ज करना पड़ेगा. अभी दोनों लेयर को कंट्रोल प्रेस करते हुए सिलेक्शन करेंगे और रेस्टराइज करेंगे और दोनों लेयर को मर्ज कर देंगे, जैसे कि एक ही लेयर हो जाएगा, काम वर्क करने के लिए ठीक रहेगा. उसको लेयर को नीचे लेके आएंगे क्योंकि हम लोग को पिक्चर भी यूज करना है, लिक्विफाई पिक्चर भी यूज करना है. इसको मास्किंग करने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ. मास्किंग का शॉर्टकट भी पता होना चाहिए आपको. मैं मास्किंग का वीडियो डाला है, अगर आप लोग को पता नहीं है तो उस लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे जाके आप क्लिपिंग मार्क्स का वीडियो देख सकते हैं, फुल टोटली क्लिपिंग मार्क्स का ही बताया है उसमें. सो मैं इसमें टेक्स्ट एडजस्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी एडजस्ट हो गया है. और मैं मास्किंग क्लिपिंग मार्क्स करने वाला हूँ, अभी देख सकते हो. सो पहले एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद लेयर को नीचे लेते आके आल्ट प्रेस करते हुए और लेयर का सेंटर पे क्लिक करना है हम लोग को मास्किंग करने के लिए. देखिए अभी मास्किंग हो चुका है और सिर्फ हम लोग के पास स्किन लेयर पे बचा हुआ है और दूसरा फर्स्ट वाला भी लेयर को हम लोग ऑन करते हैं और उसमें टेक्स्ट को लेके आके थोड़ा देख लेते हैं कैसा, कहाँ पे रखने से थोड़ा अच्छा दिख रहा है. और इसमें एक और वर्क रहेगा, हम लोग को ब्रश भी यूज करना पड़ेगा. सो टेक्स्ट देख लीजिए पहले.
इस वीडियो को लाइक कर देना यार, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को यहाँ पे फास्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो यहाँ पे फास्ट कर दिया तो आप लोग को ठीक से पता नहीं चलेगा, इसके लिए मैं वीडियो यहाँ पे स्लो ही चला रहा हूँ। मेन पॉइंट यहीं पे है, ओर्क एरिया और मेन ओर्क, इम्पोर्टेंट ओर्क यहीं पे करने वाले हैं इसके लिए। सो उसके बाद देख लीजिए, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला हूँ, और ये लेयर पे मैंने जो मास्किंग करके रखा हुआ है, इस वाइट राइट साइड पे आप देख सकते हो एक और मास्किंग है, तो वो क्यों किया है अभी पता चल जाएगा। मैं ब्रश यूज करने वाला हूँ, अभी देख सकते हैं। मास्किंग यूज करने का फायदा यही है कि कहीं पे भी आप ब्रश यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को कोई भी इफेक्ट डालना पड़े ईजी रहेगा। एक्सप्रेस करते हुए आप ब्रश अपोजिट तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे लेयर ज़्यादा अंदर चला गया तो एक्सप्रेस करने से फिर बाहर आ जाएगा, अगर बाहर चला गया तो अंदर करने के लिए फायदा रहेगा। देख लीजिए मैं ब्रश को कितना स्मूथली यूज करने वाला हूँ, और स्मूथ ब्रश ही यूज करना है आपको। देन अभी थोड़ा सीम थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हेयर पे मैं उतना नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे को पिक्चर ऐसा लगे कि वो हेयर से आके स्किन, मतलब स्किन का अंदर ही है टेक्स, ऐसा लगना चाहिए, इफेक्ट ही है सही है, वरना सिंपल इफेक्ट तो कोई भी ऐसे ही डाल सकता है। सो अभी मैं इसको टी शर्ट को भी बाहर निकालने वाला, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है हाफ, तो इसको टी शर्ट को भी एक्सप्रेस करते हुए बैकग्राउंड कलर मिक्स और ब्लैक होना चाहिए। और देख लीजिए अभी बैक आ चुका है, मैं बोला था आप लोग को एक्सप्रेस करने से कुछ भी अगर कट गया है तो निकाल सकते हैं, अगर निकल गया तो कट कर सकते हैं फिर भी। देख लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग का फाइनली और इसमें ही है, ज़्यादा और करने के लिए आप लोग को ध्यान दे के देखना पड़ेगा, वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा आप लोग को, तब पता चलेगा। सो उसके बाद देख लीजिए अभी परफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेक्स का अंदर हम लोग को एक ही फोकस रहना है कि टेक्स मतलब रियलिस्टिक लगे और स्किन से जुड़ के आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग कंट्रोल एल ले रहा हूँ, और मैं थोड़ा लाइटिंग कम करके देखने वाला हूँ या टेक्स कैसा दिख रहा है, मतलब टेक्स में कहाँ तक ब्राइटनेस डालूंगा तो अच्छा दिखेगा। देख लीजिए एक बार मैं यहीं पे एडजस्ट कर देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत वो लाइट डालेंगे भी और टेक्स में फोकस नहीं जाएगा, तो इसके लिए इतना ही लाइट्स, नॉर्मली लाइट्स रखने वाला हूँ। और नेक्स्ट और रहेगा हम लोग को अभी बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और इसका पीछे भी मैं कुछ लाइट जैसा डालने वाला, लाइट मतलब ब्रश ही यूज करके लाइट डालने वाला। तो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को, थोड़ा और लाइट में डार्क करने वाला हूँ, क्योंकि लाइट अच्छा नहीं दिख रहा है। सो उसके बाद अभी बैकग्राउंड कलर पे जाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप। बैकग्राउंड चेंज करने से पहले मैं एक और बार इसको मर्ज करने वाला हूँ लेयर को, क्योंकि लेयर बहुत सारा हो गया है इसके लिए, और आप लोग के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैं इसको मर्ज करने वाला हूँ। कंट्रोल की प्रेस करते हुए सलेक्शन करने वाला हूँ थर्ड, तीनों लेयर को कंट्रोल प्रेस करते हुए लेना है आप लोग को। उसके बाद राइट क्लिक करना है और मर्ज लेयर पे जाके मर्ज कर देना है। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड लेयर पे जाएंगे, और बैकग्राउंड लेयर पे आप कलर चूज करेंगे, आप लोग को कोई सा कोई भी पसंद हो आप चूज कर लेना। मैं इसमें थोड़ा ब्लैक लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी ब्रश यूज करके दिखाने वाला हूँ, जो पिक्चर में आप लोग देखे वाइट था उसके लिए ब्रश फिर से मैं ब्रश यूज करने वाला हूँ। देख लीजिए पहले प्रॉब्लम करो, अभी मास्किंग पे जाके ब्रश यूज करने वाला हूँ बी प्रेस करते हुए, और ब्रश का साइज आप लोग को बढ़ाना है तो कीबोर्ड में है ब्रैकेट, आप लोग को ब्रैकेट दिख रहा होगा उसमें प्रेस करके आप बड़ा कर सकते हैं ब्रश को। उसके बाद मैं फोटो का बैक साइड पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि लेयर तो ऊपर ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं फेस में कुछ इफेक्ट और टेक्स्ट में कुछ हाईलाइट होने के लिए इसके लिए पीछे व्हाइट कलर का ब्रशिंग कर रहा हूँ। देख लीजिए अभी फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप लोग को कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल सकते हैं, आप लोग को क्या प्रॉब्लम हुआ शॉर्टकट्स भी मैं बता सकता हूँ वहाँ पे। फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुका है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे।